नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। पहले रिया चक्रवर्ती को जेल में पीटा गया, अब बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी को भी जेल में पीटा जा रहा है। आखिर क्यों पीटा जा रहा है और सीबीआई की टीम उनसे क्या पूछताछ कर रही है, आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। दरअसल बात यह है कि पहले जब रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर, ड्रग मामला को लेकर जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ किया जाता था, तब रिया चक्रवर्ती सीबीआई के कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता था, जिसके कारण जेल कर्मियों ने रिया चक्रवर्ती को काफी पीटा था। लेकिन अब बहुत ही बड़ी खबर आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ 13 जून की रात क्या सब हुआ था, वहां पर सिद्धार्थ पिठानी भी थे। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी अब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो उस समय वहां पर थे, जिसको लेकर अब सीबीआई की टीम सिद्धार्थ पिठानी को भी पीटा, उन्हें भी थर्ड डिग्री का टॉर्चर किया गया। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी से जब सीबीआई की टीम ने सवाल जवाब किए, तब सिद्धार्थ पिठानी जवाब देने से मुकर गया कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के पीछे सिद्धार्थ पिठानी का हाथ नहीं है। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा गुनहगार जो कि रिया चक्रवर्ती है, उसके ही जाल में जो कि बहुत ही बड़ी साजिश रच रहा था, वो था सिद्धार्थ पिठानी, उसके साथ दीपेश। लेकिन इन सभी के पीछे आखिर सबसे बड़ा लोग कौन है, उसका भी पर्दाफाश जो कि अर्णब गोस्वामी ने कर ही दिया था। बताया जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के पीछे बहुत ही बड़े एक्टर यानी कि सलमान खान का हाथ है, जो कि अब ये प्रूफ भी हो गया कि सलमान खान जिस तरह से अपने फैमिली वालों के साथ कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर देखा गया था, वो दुबई शिफ्ट हो गया। आखिर इसी बात को लेकर सीबीआई की टीम ने सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की कि आखिर सलमान खान का हाथ कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस से है या नहीं, जिसको लेकर सिद्धार्थ पिठानी ने इनकार कर दिया। फिर सीबीआई की टीम और एनसीबी की टीम ने सिद्धार्थ पिठानी को जेल में ही काफी पीटा, उनको इतनी पिटाई की गई है, उनका तबीयत काफी बिगड़ चुका है। अब बताया जा रहा है कि जैसे ही सिद्धार्थ पिठानी ठीक होते हैं, उनसे फिर से सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। फिलहाल रिया चक्रवर्ती जो भी कुछ जानती थी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, ड्रग मामले के बारे में, उन्होंने सारा का सारा बयान कबूलनामा कर लिया है। अब बात सिर्फ अटकती है तो सिद्धार्थ पिठानी पर, क्या सिद्धार्थ पिठानी जग डीलरों का नाम बताएगा या सुशांत सिंह राजपूत के साथ 13 जून की रात क्या हुआ था, ये सारी बात सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई को कब बताती है। बताया जा रहा है सीबीआई के द्वारा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो हार्ड ड्राइव था वो भी सिद्धार्थ पिठानी ने तोड़ा था, उन्हीं ने हार्ड ड्राइव को नष्ट किया था। अब जैसे ही सीबीआई के पास ये बड़ी सबूत आती है, जैसे ही सिद्धार्थ पिठानी कोई नया अपडेट देता है, सबूत देता है, मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पे जरूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।